हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर चॉइस ट्यूटर। फ्रेंड्स, हमने कोर्स स्टार्ट किया है जिसमें पहले हम पढ़ेंगे वेटेड कोड के बारे में। फ्रेंड्स, वेटेड कोड बेसिकली बाइनरी कोड्स होते हैं जो कि बेस्ड होते हैं पोजिशनल वेटेड प्रिंसिपल पे। अकॉर्डिंग टू पोजिशनल वेटेड प्रिंसिपल क्या होता है, ईच पोजिशन ऑफ द नंबर रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक वेट। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई नंबर है 38, एक नंबर है डेसिमल नंबर, इसका बेस 10 है। तो जो ईच नंबर है इसका एक स्पेसिफिक वेट हुआ, ठीक है। फॉर एग्जांपल, हम एक डेसिमल डिजिट ले रहे हैं जिसको हम ग्रुप ऑफ फोर बाइनरी बिट से रिप्रेजेंट करेंगे। हमारा एक नंबर लिया हमने, जैसे हमने लिया 28, ठीक है। ये क्या है, हमारा डेसिमल नंबर, ठीक है। अब इसके लिए हम लिखेंगे 8421 से कोड, और इसके लिए भी लिखेंगे हम 8421 से। ये क्या हो गया हमारा पोजिशनल वेट, ठीक है। तो इसके थ्रू टू कैसे लिखेंगे हम, 0010, और 8 को कैसे लिखेंगे 1000, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नॉन वेटेड कोड। नॉन वेटेड कोड जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि जिसमें हम किसी भी बाइनरी नंबर्स के लिए पोजिशनल वेट को असाइन नहीं करेंगे, ठीक है। यही लिखा है, इन दिस टाइप ऑफ बाइनरी कोड्स द पोजिशनल वेट्स आर नॉट असाइन, ठीक है। जो नॉन वेटेड कोड्स होते हैं इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है हमारा X3 कोड, दूसरा होता है ग्रे कोड। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे X3 कोड और ग्रे कोड के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।